ये भांजी आपकी बिक रही, 13 साल 12 साल की बच्ची बिक रही, दलाल उसको बिचवा रहा है, मेला लगा है, 1 लाख 2 लाख की बोली लगा रहा है। अगर मेरे टाइम पे तो जगह होता तो सालों को ठिकाने लगा देते। मैं गोविंद सिंह जी एक अपने क्षेत्र की शान है, गोविंद सिंह को छोटा नेता कोई मत समझो। लाहौर में जिस तरीके से आपने कैंपन संभाला है गोविंद सिंह का, वहाँ हार में आप संघर्ष कर पाएंगे? केंद्रीय लोगों ने घेर रखा है। अरे चम्बल के बागी के सामने कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा, चाहे हिंदुस्तान के नेता को ले आइए आप, भोपाली को बुला लो, और मलखान सिंह के नाम से एक भी चिट्ठी मैंने कभी दी हो कि हमको 5,000 रुपए दे दी तो हमको फांसी पे लटका दिया जाए। चम्बल पे बागी और सैनिक पैदा होते डाकू नहीं। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। लाहौर विधानसभा क्षेत्र में दद्दा मलखान सिंह, कौन नहीं जानता, लाहौर की कमान संभाले हुए हैं। इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के समर्थन में लाहौर पहुंचे, स्वागत हमारे चैनल पर। देखो मैं आपको बताना चाहते हैं, ये विधानसभा का चुनाव हो रहा है, बड़े धूमधाम से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में बहुत फर्क रहता है, भारतीय जनता पार्टी के लुटेरे जो लोग हैं 18-20 साल से जनता को लूट रहे हैं, गरीबों को जमीन छीन रहे हैं। इनकी सरकार में न तो कोई पटवारी सुने, न थाना प्रभारी कोई सुने, न तहसीलदार सुने, किसकी सरकार है? आज हमारे देश में ये कितनी कानून बिगड़े हुई है, 12 साल की बच्चियों के साथ में बलात्कार होना, 12-13 साल की बच्चियों के साथ में नीमच में खरीद हो रही है। 13 साल की बच्ची बिकती कोई बैल भैंस थोड़ा उसमें मेला में, तो आज ये सरकार नहीं देख रही, सरकार को नहीं लग रहा कि हमारे देश की इतने मामा भांजी ये भांजी आपकी बिक रही, 13 साल 12 साल की बच्ची बिक रही, दलाल उसको बिचवा रहा है, मेला लगा है, 1 लाख 2 लाख की बोली लगा रहा है, चाहे वो कहीं का कौन जाति का है, कौन है, कहाँ का ले जा रहा है, ये बच्ची कहाँ से यहाँ क्यों बिक रही है, क्या कारण है, सारा देश रहा, शासन प्रशासन नहीं देख रहा। अगर मेरे टाइम पे तो जगह होता तो सालों को ठिकाने लगा देते। मैंने ये कभी क्रूरता नहीं देखी जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े, ये हमने नहीं देखा। चम्बल घाटी में बहन बेटी के साथ में अन्याय बलात्कार हुआ हो, मैंने कभी बर्दाश्त नहीं किया। सवाल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई है 2023 में और कांग्रेस पार्टी सत्ता में बैठेगी, कमलनाथ उसके CM होंगे, और गोविंद सिंह जी एक अपने लार क्षेत्र में मानो एक लार क्षेत्र की शान है, गोविंद सिंह को छोटा नेता कोई मत समझो। गोविंद सिंह की लार में एक बैठे रहेंगे तो बड़ी इज्जत, जनता की इज्जत बनी रहेगी हमेशा के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का कहीं वो नहीं है, न कोई असर है। आप रोते फिर रहे हैं, गिड़गिड़ाते फिर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, आपने कहा कि बेटियों के बोली लग रही है, कहाँ लग रही है? नीमच में, आपने सबने देखा नीमच में, किटनी में, उसमें कटनी में 12 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार, आपने बलात्कार देखा वो जैन की बच्ची में 12 साल के साथ में, और आपके नीमच में 12-13 साल की बच्चियों के 1 लाख 2 लाख से उसकी सौदा हो रही है, मेला लगा हुआ है, जैसे हमारी बैल भैंस बिकती है मेला में। ये काहे की सरकार है, ऐसी सरकार को नकार देना चाहिए जनता को। ये नहीं ला रहे, नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस सरकार को नष्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। आपका जीवन काल में जो आपने बताया कि आपने हमेशा बहन बेटियों की इज्जत उस समय, अरे मेरे जीवन काल का तो कोई होड़ नहीं है, मेरे जीवन काल में तो अब आप क्या कल्पना करेंगे, मेरे समय पे किसी की लागत नहीं थी, किसी की बहन बेटी को किसी की ताकत नहीं थी जो कोई छेड़ के बता देते। हम कोई जातिवाद का काम नहीं कर रहे थे, मैं सब हमारे हिंदुस्तान की पूरी बेटा बेटियाँ सब जाति के हैं, हमारा जाति का मुद्दा नहीं था, हमारा ये था यदि किसी बहन बेटी के साथ में अगर अन्याय कर दिया तो आपके हाथ जिंदा नहीं रहेंगे, ख्याल कर लेना आप। आपने अभी सभा में बोला कि जो भी हैं समय सब डकैते भाजपा के, कौन नेता डकैते? डकैते आपको पता नहीं है, आप तो यार सब जानते डकैतों को कौन डकैत है। मैं तो अरे एक मान ली चम्बल पे अन्याय के खिलाफ अगर बंदूक उठा ली तो हम डकैत हो गए, और आप अपराध करके अपराधी 20-20 केस तुम पे लगे, पार्लियामेंट में एक मंत्री बन जाते लाल बत्ती में तो आप महात्मा हो जाते। उनको डकैत कोई कहता, डाकू नहीं कहता, बार बार डाकू का अर्थ क्या है, डाकू किसका होता है? बगावत के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, बदतमीजी के खिलाफ बागी बनना। आप एक देखिए, आप पान सिंह सूबेदार तोमर एशिया के माने हुए धावक थे, सब जनता को पता है। हाँ। जो मिलिट्री में एक सूबेदार एशिया का माना हुआ धावक रहा हो,
उसको कितने मेडल मिले हुए, और एक बीघा जमीन मुरैना में कलेक्टर नहीं दे सका, उसको फैसला नहीं कर सका, तो बागी बन के उनको मरने पड़ा। ये हिंदुस्तान कानून है क्या? काय का शासन, काय की राज्य है जी? बेईमान शासन है बिल्कुल। तो इस समय आप भिंड जिले में इस समय देख रहे हैं, विधानसभाओं में जा रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है जीत पा रहे हैं 5 सीटों में? हमारी तो सारी पूरे मध्य प्रदेश में सरकारी बन रही, पूरी सीटें जीत रहे कांग्रेस की, एक आध उक्का दुक्का 34 सीटों में बच जाए तो बच जाए, एक आध कोई सिद्धांतवादी होगा वो बचेगा, कोई जिसने कोई जनता का काम किया हो, जिसने मतलब न विधायक रहा होगा और जनता की सेवा करता रहा होगा, तो उसका नहीं मैं कह सकते, वो एक अलग मैटर है। जो आदमी मतलब विधायक नहीं हो रहा और वो विधायक के बाद वो अपने जनता की फिक्र करता रहा, उसमें जो है उसमें आपकी ये लाइट की डीपी रखवाता रहा हो, थाने में फ़ोन करता रहा हो, या चले या न चले, तो उस आदमी की क्या नहीं कह सकते हम, कुछ नहीं कह सकते, वो तो जनता के ऊपर निर्णय हो सकता, जनता अपने उसका उसको फ़ायदा दे सकती है। ग्वालियर में मोदी जी आए थे, उनका सर नहीं होगा? अरे ये तो सब आते जाते रहे, आने को क्या है, ये तो दुनिया हिंदुस्तान आने से क्या होता है, आने से थोड़ा वोट मिलता है, पैदल चल के वोट मिलता है, मंच में भाषण देने से वोट मिलता है। हम तो गरीबों को देखते हैं, करेरा में अब 2-3 दिन हमने 50 गांव का दौरा किया, एक एक जनता से मिलते हैं, हमारा तो वो है मतलब हमको जनता को देखने मुझे लगता है कि मैं तो पैदल चल के जनता को देखा है, मंच पे भाषण दे के चले गए गाड़ी में बैठ गए, ऐसा थोड़ा होता है। आप सभाएं कर रहे हैं, लोगों से वादे कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं कमलनाथ जी को वोट करो, आप लोगों की मदद कर पाएंगे सरकार बनने के बाद? मैं मदद करेंगे अलग से, मैं हिम्मत रखते मदद करने की, सरकार तो मदद करेगी जनता की, जहाँ जनता के साथ में अन्याय अत्याचार होगा, गुंडागर्दी होगी, मतलब जो लोग बदमाश लोग तत्व के अन्याय करेंगे किसी मोहल्ले में किसी गांव में, गांव को रहने नहीं दें गरीब, उसके लिए हम निपटेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। निपटेंगे तो आपकी कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है? जिम्मेदारी है तो निपटेंगे, कानून से निपटेंगे, बंदूक से थोड़ो है, ऐसा थोड़ो, उसके तमाम फार्मूला होते निपटने के, अन्याय के विरोध करेंगे, हमको सब क्षेत्र का, हम क्षेत्र के रहने वाले, हम हमारा जिला हमारा जन्म भी भिंड में ही है, हम बाहर के थोड़े हूँ, इससे थोड़े हूँ, मेरी पैदाश तो मेरे 15 किलोमीटर के गांव है मेरा, वहाँ 100 बीघा जमीन मैंने मंदिर से लगा दी, आज मेरा रिकॉर्ड है, हमने एक जमीन नहीं ली, और अपने गांव में एक रुपये का चंदा नहीं होने दिया, अपने क्षेत्र में कोई अपहरण नहीं होने दिया, मेरे टाइम पर बता दो गोद से लगा के, मैं गाँव से भिंड से किसी बनिया व्यापारी को बुला लो और मलखान सिंह के नाम से एक भी चिट्ठी मैंने कभी दी हो कि हमको 5,000 रुपये दे दी तो हमको फांसी पे लटका दिया जाए, है बता तो दे, अगर कोई बहन बेटी में जो निकलते थे रात और दिन पूरे क्षेत्र में, चाहे ये मतलब उमरी क्षेत्र में निकलते हों, चाहे टैनगुर में निकलते हों, अगर दद्दा के नाम से किसी की ताकत नहीं थी कि बहन बेटी, हमने 12-12 बजे देखी बहन बेटी को निकलते, पैर छूने के अलावा हम लोगों ने नहीं देखा, हम लुटेरे बागी नहीं थे, हम अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले आदमी थे, चंबल पे बागी और सैनिक पैदा होते, डाकू नहीं, ये चंबल घाटी है, ऐसा नहीं होते, चंबल पे बागी पैदा होते और सैनिक पैदा होते हैं, जो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ते हैं और वो उनको धराशाई करते हैं लोगों को, वो ऐसा क्षेत्र है चंबल क्षेत्र। नहीं, लोगों के कमेंट के पहले आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते थे, अब कांग्रेस का? भारतीय जनता पार्टी का कोई करता रहा, इससे क्या मतलब, पहले आप करते थे? अरे भाई करते थे, हमको हमारा उनका नहीं तालमेल नहीं खाया, उनके अन्याय हमको बर्दाश्त नहीं हुए, हम अन्याय से समझौता नहीं करेंगे, पार्टी कोई भी हो अन्याय से समझौता नहीं, हमको नेता नहीं बनने, हम नेता की कैटेगरी से थोड़ू रहेंगे, नेता हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह बहुत हैं, जनता को मदद देने वाले बहुत हैं, हम उनके सहपाठी हैं, सहयोग करने वाले हैं, उनके आदेश पे हम चलने वाले हैं और उनके आदेश को हम कभी खराब नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, जो उनको नीचे देखने पड़े ऐसा नहीं करेंगे। में आप संघर्ष कर पाएंगे? चौकड़ी केंद्रीय लोगों ने घेर रखा है, अरे चंबल के बागी के सामने कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं टिक पाएगा, चाहे हिंदुस्तान के नेता को ले आइए आप, जो सच्चाई चंबल के पे है, नेतन में सच्चाई कहाँ होती, कोई आ रहा है सब आ जाए, जहाँ लार में कोई चिंता नहीं है, लार की जनता ईमानदार, लार की जनता से मैं एक पैसे के दागी नहीं है, मेरा हक है हर लार की जनता से वोट मांगने का, मेरा हक है, अगर मैं किसी का अपहरण कर लेते, किसी के साथ में पैसा वसूल कर लेते, काऊ के मतलब डकैती डालते, तो हम लार में कभी मुँह नहीं दिखाते,
क्योंकि हम किसी के दागी नहीं। अगर कोई बता दे, अगर कोई भी कह दे मलखान सिंह ने कभी पानी भी नहीं मांगा हो, और रात दिन का सर के रहा मेरा, हर चीज़ का लाड़ के निकलना, जालंग बालंग निकलना, किसी ट्यूबवेल पे भी मैंने पानी नहीं मांगा। हीरो आएगा बम्बई का, मलखान सिंह चंबल का हीरो, हमें भी हैं, हम भी लड़ेंगे। चिंता कैसे कर रहे थे, क्या बात कर रहे हैं है? चंबल के हीरो दद्दा मलखान सिंह हमारे साथ। बम्बई का हीरो आए, हीरो कैसे बनता है? चंबल के बागियों से हीरो बनता है। आप में भी फिल्म बनी है, वो बागियों से हीरो बनता है, बम्बई में बैठा है। मैं तो ओरिजिनल हीरो हैं। तो जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। नमस्कार, पाल ढाबा आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमारे यहाँ खाने में दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, सेव भाजी, सेव टमाटर, कढ़ाई पनीर, चिली पनीर, पनीर पसंदा, संगम पनीर, और स्वीट में खीर, स्पेशल केसरी खीर, गुलाब जामुन और स्पेशल केसरी खीर मिलती है हमारे यहाँ। ये सेवा का अवसर दें, धन्यवाद।